डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम नवनील गौड़ फ्रॉम टैगोर स्कूल पर्वत सर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस थर्ड लेसन ऑफ 8th क्लास साइंस बुक। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 8th क्लास की साइंस बुक के थर्ड लेसन के क्वेश्चन आंसर। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव स्टडीड द थर्ड लेसन इन प्रीवियस वीडियो। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं थर्ड लेसन को, एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हम करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड टू लेसन्स एंड देयर क्वेश्चन आंसर ऑफ साइंस बुक ऑफ 8th क्लास, एंड आई होप यू हैव आल्सो रिटन द क्वेश्चन आंसर्स, होल द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक्स। आशा करता हूँ कि आपने सारे क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में कंप्लीट किए होंगे, एंड विच क्वेश्चन आंसर्स वी आर डूइंग टूडे, और जो क्वेश्चन आंसर हम लोग आज करने जा रहे हैं, यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन आंसर आल्सो इन योर नोटबुक। आपको भी अपनी नोटबुक में ये सारे क्वेश्चन, आज के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी कंप्लीट करने होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। आइए शुरू करते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। बिफोर द क्वेश्चन आंसर्स, देयर आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन। आपने क्या सीखा? क्वेश्चन आंसर से पहले यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ मेन पॉइंट्स इस लेसन के, जो हमने छोड़े थे जानबूझकर पिछले वीडियो में, ताकि जब हम इन मेन पॉइंट्स को पढ़ें तो इस लेसन की जो समरी है वो हमें रिकॉल हो जाए, एक बार वो हमें रिवाइज हो जाए और हम क्वेश्चन आंसर्स को आसानी से कर सकें। लेट्स स्टार्ट टू रीड द क्वेश्चन, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन। आपने क्या सीखा? द फर्स्ट पॉइंट इज संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जो बहुलक कहलाते हैं। हमने पढ़ा है लेसन में कि प्लास्टिक और संश्लेषित रेशे दोनों ही बहुलकों से बनते हैं, जिनको पॉलीमर कहा जाता है इंग्लिश में। बहुलक अनेक छोटी छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। सेकेंड, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं, संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्राकृतिक रेशे हैं वो प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि पौधे और पशु, और संश्लेषित जो रेशे होते हैं वो पेट्रो रसायनों के रासायनिक प्रक्रमण यानी केमिकल रिएक्शंस से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ा बनाने में, कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। तो दोनों ही जो रेशे होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, दोनों को ही कपड़ा बनाने के लिए यूज किया जाता है, बुन करके इनसे कपड़ा बनाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट, संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से, बाल्टियाँ, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयानों, जलयानों, अंतरिक्षयानों, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जाता है। तो संश्लेषित रेशों का उपयोग बहुत सारी चीज़ें बनाने में किया जाता है, और इन बहुत सारी चीज़ों में जो अपन ने अभी पढ़ी है, बाल्टियाँ, रस्से, फर्नीचर, पात्र, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बनाने में संश्लेषित रेशों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, संश्लेषित रेशों के वृहत निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयोन, नाइलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। तो इनके कई नाम हैं संश्लेषित रेशों के, जो हमने लेसन में पढ़े हैं। नेक्स्ट वन इज विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवशोषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल्य, चिरस्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो रेशे होते हैं, अलग अलग रेशों में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। कोई रेशा प्रबलता के हिसाब से बहुत अच्छा है, कोई जल को ज़्यादा अवशोषित रख सकता है, किसी की दहन प्रकृति यानी कोई जल्दी आग पकड़ता है, कोई आग से बचाने में सहायक होता है, और कई बहुत लंबे समय तक चिर स्थायी रहते हैं, यानी खराब नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। तो अलग अलग रेशों के अलग अलग गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी ओर है।
प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ अपशिष्ट पर्यावरण हितेशी नहीं है। यानी प्लास्टिक को जब जलाया जाता है या ख़त्म करने की कोशिश की जाती है तो उसके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो पर्यावरण के हितेशी नहीं होते हैं। जलाने पर ये विषैली गैसें उत्पन्न करते हैं, भूमि पर डाल देने से इन्हें अपभ्रष्ट होने में कई वर्ष लग सकते हैं। यानी जमीन में मिट्टी में मिलने में अपघटित होने में इनको कई वर्ष लग जाते हैं। लगभग कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो 400 से 500 साल जिनको लग सकते हैं पूर्णतया अपघटित होने में। ऐसा इनको जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति के कारण होता है और इसीलिए इनको जैव अनिम्नीकरणीय श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ये अनिम्नीकरणीय होते हैं यानी निम्नीकरणीय नहीं होते हैं, यानी ये अपघटित नहीं हो पाते हैं। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदायों के पर्यावरण संकट को न्यूनतम कर सकें। तो यहाँ पर हमें थोड़ा विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम जो संश्लेषित रेशे हैं उनका उपयोग बिल्कुल नहीं करें, तो हम थोड़ा विवेकपूर्ण उपयोग करें ताकि इनके गुण जो है उनका भी आनंद लिया जा सके और पर्यावरण के लिए ये खतरा भी नहीं बने। तो ये इस लेसन के कुछ खास खास बिंदु यहाँ पर दिए गए थे और कुछ यहाँ पर प्रमुख शब्द यहाँ पर है जिनको भी मैं बताना चाहूँगा। एक्रिलिक होता है, एक संश्लेषित रेशा है जिसको रेयोन कहते हैं, जिसको कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, इसको एक्रिलिक नाम दिया गया है। कृत्रिम रेशम इसी का नाम है। नाइलॉन भी एक संश्लेषित रेशा है जो बहुत प्रबल माना जाता है, जिससे कि पैराशूट के रस्सियां बनाई जाती है और भी कई चीज़ें जो बहुत मज़बूत चीज़ें हैं वो बनाई जाती है। प्लास्टिक हम जानते ही हैं। पॉलिएस्टर एक संश्लेषित रेशा है। इसी तरह पॉलीमर बहुलक को कहते हैं, हिंदी में इसको बहुलक कहते हैं। रेयोन भी एक प्राकृतिक रूप से एक संश्लेषित रेशा है जो कि कृत्रिम रेशम भी कहलाता है। और संश्लेषित रेशे जो बनाए जाते हैं मानव द्वारा वो संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। टेरिलिन भी एक संश्लेषित रेशा है। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जो आसानी से कम तापमान पर पिघल जाते हैं, वो थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। और जो ताप दृढ़ कहलाते हैं हिंदी में, यानी जिनको अधिक टेम्परेचर भी जो पिघलते नहीं हैं और एक बार उनको जो रूप प्रदान कर दिया जाता है फिर उससे वो पिघलते नहीं हैं, अपने रूप में ही रहते हैं, भले ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर उनको मिलता रहे, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जो भी क्वेश्चन आंसर करने हैं उनमें आपको ये आपने क्या सीखा नहीं लिखने हैं। आपको लेसन का नंबर और नेम मेंशन करने के बाद सीधा अपनी नोटबुक्स में इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? तो इसका आंसर आपको ये लिखना है। देखिए, मैं अभी आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि संश्लेषण का मतलब होता है बनाना। तो आपको आंसर में इस तरह लिखना है, संश्लेषित शब्द का अर्थ होता है निर्माण करना, और चूंकि ये रेशे मानव द्वारा निर्मित रेशे हैं, इनका निर्माण मनुष्य द्वारा औद्योगिक दृष्टि से किया जाता है, अतः इनको संश्लेषित रेशे कहा जाता है या अतः और इसीलिए ये संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। तो कुल मिला के जो मूल बात वो है कि संश्लेषित शब्द का मतलब ही होता है कि मानव द्वारा, या संश्लेषित शब्द का अर्थ होता है बनाया गया, संश्लेषण यानी बनाया गया। संश्लेषित जो शब्द है उसका अर्थ है बनाया गया, और चूंकि ये रेशे मानव द्वारा बनाए जा गए हैं और इनका निर्माण फैक्ट्रियों में मानव द्वारा किया जाता है विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा, इसलिए इनको संश्लेषित रेशे कहा जाता है। तो ये आपको इसका आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, सही उत्तर को निचिन्हित कीजिए। रेयोन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि देखिए वैसे तो रेयोन जो है वो संश्लेषित रेशा है, मानव द्वारा कुछ केमिकल रिएक्शंस से इसको बनाया जाता है, लेकिन पूर्णतः संश्लेषित नहीं कहलाएगा ये रेशा, क्योंकि इसका जो कच्चा माल है वो और लकड़ी की लुगदी से ये बनाया जाता है, हालांकि ये कुछ केमिकल रिएक्शंस भी इसमें करवाई जाती है। तो ये पूर्णतया न तो कृत्रिम है न संश्लेषित हैं,
न तो कृत्रिम है न प्राकृतिक है। और लेकिन यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दे रखे हैं उसमें रेयन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसका उत्तर होगा खै, इसे काष्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इसको लकड़ी की लुगदी से, इसका जो कच्चा माल है वो लकड़ी की लुगदी है, इसलिए इसको संश्लेषित रेशा नहीं माना जाता, क्योंकि ये लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है। हालांकि ये पूर्णतः प्राकृतिक भी नहीं कहला सकता, क्योंकि बाद में इसको केमिकल रिएक्शंस भी करवाई जाती है, हमने पढ़ा है लेसन में। लेकिन यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो खय होगा, क्योंकि ये लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संश्लेषित रेशे ब्लैंक अथवा ब्लैंक रेशे भी कहलाते हैं, तो संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। तो यहाँ एक खाली स्थान में कृत्रिम आ जाएगा और दूसरे में मानव निर्मित रेशे, मानव निर्मित ये शब्द ये आ जाएगा, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। ख, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो पॉलीमर कहलाता है। तो संश्लेषित रेशे जो भी बनाए जाते हैं वो पॉलीमर से बनाए जाते हैं, तो पॉलीमर यहाँ पर आपको फिल करना है। संश्लेषित रेशे भी की भांति प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, यहाँ पर भी पॉलीमर आएगा। जैसे संश्लेषित रेशे हैं वैसे ही प्लास्टिक, दोनों में कॉमन अगर कोई चीज़ है तो वो है पॉलीमर। दोनों ही बहुलक होते हैं, तो यहाँ पर बहुलक भी लिख सकते हैं, पॉलीमर भी लिख सकते हैं आप, पॉलीमर या ब्रैकेट में बहुलक दोनों लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नाइलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नाइलॉन रेशों की प्रबलता दर्शाती है। तो नाइलॉन रेशे से बहुत सारी चीज़ें बनती है, उसमें से दो चीज़ें इसने केवल पूछी है यहाँ पर। तो एक तो पैराशूट की रस्सियाँ और एक मोजे। तो मोजे प्रबलता इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि मोजे पैरों में रहते हैं तो वो घिसते ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त समय तक चलते हैं। तो वो मोजे जो हैं वो नाइलॉन की प्रबलता को दर्शाते हैं। और इसी तरह पैराशूट की रस्सी अगर प्रबल नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो वो टूट सकती है और उससे व्यक्ति के प्राण भी जा सकते हैं, क्योंकि वो नीचे गिर जाएगा हवा से। तो यहाँ पर ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। आपको केवल दो वस्तुओं के नाम लिखने जो कि इसकी नाइलॉन की प्रबलता को दर्शाते हैं। तो एक तो आप पैराशूट की रस्सियाँ और दूसरा मोजे, ये आपको लिखने हैं इसमें नाइलॉन से बनी हुई वस्तुओं के नाम। क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो खाने की चीज़ों को प्लास्टिक के डिब्बों में क्यों रखते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है, 3 कौन से कारण हैं। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, नंबर 1, प्लास्टिक हल्का होता है। नंबर 2, प्लास्टिक अभिक्रियाशील होता है, अन अभिक्रियाशील होता है, जिससे वो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है और उसमें चीज़ें खराब नहीं होती है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहला तो हमने लिखा प्लास्टिक के बर्तन हल्के होते हैं, तो वे रखने व उठाने में उनको रखने व उठाने में सहूलियत रहती है। तो थोड़ा सा आप थोड़ा इसको लंबा बना करके लिख सकते हैं, नंबर 1, प्लास्टिक के बर्तन हल्के होते हैं जिससे उन्हें उठाने और रखने में सहूलियत रहती है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, प्लास्टिक अन अभिक्रियाशील होता है, अर्थात किसी भी अम्ल व क्षार से क्रिया नहीं करता, जिससे कि प्लास्टिक में रखी जाने वाली चीज़ें खराब नहीं होती। ये इसका दूसरा गुण है प्लास्टिक का, पहला हल्का हो गया, दूसरा अन अभिक्रियाशील हो गया, और तीसरा प्लास्टिक असंक्षारक होता है, अर्थात लंबे समय तक चलता है, टिकाऊ रहता है। ये 3 आप लिख सकते हैं। वैसे तो ये सस्ता होता है, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 पूछे हैं तो 3 जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको लिखने हैं। और ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं, नई नोटबुक में करने हैं। नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, अब आपको ओल्ड नोटबुक्स में नहीं करना है, और फर्स्ट लेसन से ही आपको रेगुलर वर्क करना है और हैंडराइटिंग का ध्यान रखना है। जहाँ पर डाइग्राम्स आते हैं वहाँ डाइग्राम्स भी बनाने हैं, तो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए काम करना है। क्वेश्चन नंबर 7, समझाइए
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा होता है? प्लास्टिक दो प्रकार के बताए गए हैं, एक तो थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक तो वो होते हैं जो कम तापमान पर पिघल सकते हैं, और थर्मोसेटिंग वो होते हैं जो एक बार जिस आकृति में आ गए उसी में रहते हैं, फिर वो पिघलते नहीं हैं। तो यहाँ पर थर्मोसेटिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं? एक तो डेगची कहते हैं। अब देखो, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है उसके एक दो गुण होते हैं। एक तो वो विद्युत के कुचालक होते हैं, एक ऊष्मा के कुचालक होते हैं। यानी न तो उसमें से विद्युत प्रवाहित होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में से, और न उसमें से ऊष्मा प्रवाहित होती है, यानी न तो गर्म होते हैं न करंट आता है उनमें। तो यहाँ पर क जो है डेगची के हत्ते, इसमें डैश करके आपको लिखना है, चूंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक होता है अर्थात वे गर्म नहीं होते हैं, अतः डेगची के गर्म होने पर भी उसका हत्ता गर्म नहीं हो, इसलिए उसके हत्ते थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। तो डेगची को निश्चित रूप से हम तापमान पर रखेंगे, हीट पे रखेंगे, अग्नि पे रखेंगे, तो वो गर्म होगा, डेगची गर्म होगी। लेकिन डेगची को उठाने के लिए अगर हम उसी धातु के हत्ते लगा देंगे तो वो जो उसके हत्ते हैं वो भी गर्म हो जाएंगे। तो इसलिए उसके जो हत्ते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के लगाए जाते हैं ताकि वो गर्म नहीं हो, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक होता है और जिससे वो गर्म नहीं होते हैं, अतः डेगची को उठाने और रखने में सहूलियत रहती है और हमारे हाथ नहीं जलते हैं। थोड़ा सा इस तरह से लंबा करके आप लिख सकते हैं इसको। खै में है विद्युत प्लग और स्विच या प्लग बोर्ड, यानी बिजली के जो उपकरण हैं, प्लग है, स्विच है, प्लग बोर्ड है। तो दूसरा जो गुण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का वो होता है कि ये विद्युत के भी कुचालक होते हैं। तो यहाँ आपको ये लिखना है, चूंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विद्युत के कुचालक होते हैं अर्थात इनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती, अतः जो विद्युत के प्लग, स्विच और प्लग बोर्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं ताकि इनका उपयोग करते समय करंट नहीं आए। तो ये आपको इसमें लिखना है कि क्योंकि विद्युत के ये कुचालक होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अतः करंट नहीं आए, इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनाई जाती हैं। एट्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, मैं वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर एक टेबल बना सकते हैं आप, टेबल बना लेनी चाहिए। एक साइड में लिख दीजिए टॉपिक में पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और दूसरी साइड में पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं। तो पुनः चक्रित उनको किया जा सकता है तो जो थोड़े नरम प्लास्टिक होते हैं, जिसको थर्मोप्लास्टिक हम कहते हैं, जिनको गर्म करने से पिघलाया जा सकता है, ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और जो थोड़े कठोर होते हैं, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, उनको पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ऐसी टेबल बना करके मैं आपको बताता हूँ। टेलीफोन यंत्र है जैसे, तो टेलीफोन जो है वो थर्मोसेटिंग का बना होता है, कठोर होता है, उसको पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता, तो उसको नहीं वाले में डाल देंगे। प्लास्टिक के खिलौने मुलायम आते हैं तो इनको पुनः चक्रित किया जा सकता है, तो इनको किए जा सकते हैं वाले में रखेंगे। कुकर के हत्ते थर्मोसेटिंग के होते हैं, कठोर होते हैं, तो ये नहीं किए जा सकते। सामग्री लाने वाले थैले, जिसको अगर अपन पॉलीथीन कहते हैं, तो पॉलीथीन को किया जा सकता है, तो किए जा सकने वाले में आ जाएंगे। बॉल पॉइंट पेन, ये भी थर्मोसेटिंग होते हैं, कठोर होते हैं, तो ये भी नहीं किए जा सकते हैं। प्लास्टिक के कटोरे नहीं किए जा सकते हैं। विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, तो ये मुलायम होते हैं, जो तारों के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ होता है वो मुलायम होता है, तो इसको किया जा सकता है। प्लास्टिक की कुर्सियाँ की जा सकती है। प्लास्टिक की कुर्सियाँ नहीं की जा सकती है, इसको आप नहीं की जा सकती वाले में डालें, और विद्युत के स्विच भी नहीं किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो मुलायम प्लास्टिक होता है उसको पुनः चक्रित किया जा सकता है क्योंकि वो पिघलाया जा सकता है, और जो कठोर प्लास्टिक आता है, जो हार्ड आता है, उसको नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए आते हैं। तो इस तरह दोनों को अलग अलग एक टेबल बना करके आधे आधे जो भी जिस कैटेगरी में रखे जाने हैं वहाँ पर उनको लिख सकते हैं। नंबर 9, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित
कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो चूंकि इसका आंसर लिखना है, चूंकि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि कृत्रिम या संश्लेषित रेशों से बने कपड़े जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं और वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। ये दो चीज़ें लिखनी है आपको। जैसा कि हम जानते हैं कि संश्लेषित रेशों से बने कपड़े जल को अवशोषित नहीं करते और जल्दी गर्म हो जाते हैं, अतः गर्मी में संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अगर राणा खरीदेगा तो गर्मी में आए हुए पसीने को उसकी कमीज सोख नहीं पाएगी और उसका शरीर में पसीना बना रहेगा। दूसरी ओर गर्मी में उसकी संश्लेषित रेशों से बनी हुई कमीज जल्दी गर्म हो जाएगी और उसको अत्यधिक ताप का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर अगर वो प्राकृतिक रेशों से बनी हुई कमीज खरीदता है, जैसे कि सूती कमीज खरीदता है, तो सूती कपड़े से बनी कमीज उसका पसीना अवशोषित करेगी जिससे वो सूखा बना रहेगा उसका शरीर, और सूती कपड़े से बनी हुई कमीज गर्म नहीं होगी जिससे कि उसको राहत मिलेगी। इसलिए हम राणा को गर्मी के मौसम में प्राकृतिक रेशों से बनी हुई, विशेष रूप से सूती कपड़ों, सूती रेशे से बनी हुई कमीज खरीदने की सलाह देंगे। तो ये इसमें पूरा कारण सहित यहाँ पर आपको लिखना है। आपके समझ में आ गया होगा कि इसमें मूलतः जो बात लिखनी है कि जो यहाँ पर दो प्रकार के रेशे होते हैं, सूती खरीदनी चाहिए या रेश संश्लेषित। तो सूती क्यों खरीदते हैं, क्योंकि सूती कपड़ा होता है वो जल को अवशोषित करता है, तो पसीने को सोख लेगा तो बॉडी अपनी सूखी बनी रहेगी और दूसरी ओर गर्म भी नहीं होता सूती कपड़ा। तो ये दो विशेष गुणों के कारण से हम सलाह देंगे कि गर्मी के लिए अगर खरीदनी है तो सूती कमीजें खरीदें। क्वेश्चन नंबर 10, उदाहरण देकर स्पष्ट प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है, उदाहरण देना है तो उदाहरण के यहाँ पर उदाहरण अपन मन से दे सकते हैं। तो मैं आपको जैसा समझा रहा हूँ वो आपको लिखना है और आप जानते भी हैं, देखिए। तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत आप अपने मन से भी इसमें उस आंसर को मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कई बार हम देखते हैं कि विभिन्न कार्बनिक चीज़ें, यहाँ पर ये दिखाना है कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती। चलो इसको आंसर को मैं आपको इसमें से बता देता हूँ, आप यहाँ से आप इसको लिख लेना। प्लास्टिक की प्रकृति ये देखिए, ये आप इसका आंसर यहाँ से लिखिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ पेज नंबर 37, यहाँ से आप लिख सकते हैं या वीडियो में भी देखिए, आप स्टॉप करके लिख सकते हैं। देखिए, बुक्स अवेलेबल हो गई है अपने शॉप पर, जो साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, ये तीन जो बुक्स है ये तो गवर्नमेंट की है, बाकी स्टूडेंट एडवाइज़र की है। तो ये सारी बुक्स अवेलेबल है, आप ले सकते हैं शॉप पर जा कर के। तो ये आपको उसका आंसर लिखना है। पूछा था कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है, स्पष्ट करना है, तो आप ये पैराग्राफ इसमें लिख सकते हैं। असंक्षारक का मतलब क्या है वो भी इसमें आ जाएगा। आप जानते हैं, इसमें आपकी जगह हम लिख दीजिए। आप हम जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए उनका उपयोग बहुत से रसायनों रहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। तो यही एक तरह का स्पष्टीकरण है कि उनमें हम चीज़ों को, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को रखते हैं, कई रसायनों को रख सकते हैं प्लास्टिक के बने हुए डिब्बों में, क्योंकि वो असंक्षारित होता है, यानी वो क्रिया नहीं करता। असंक्षारित होने का मतलब है कि वो किसी से क्रिया नहीं करता। संक्षारित कौन होगा, जो किसी से क्रिया करेगा तो उसमें
कुछ कमी आ जाएगी, वो घिस जाएगा या गल जाएगा, लेकिन ये किसी से क्रिया नहीं करता प्लास्टिक, इसलिए वो असंक्षारित है। और ये इसका प्रमाण क्या है कि हम इसमें कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होती और डिब्बा भी ख़राब नहीं होता। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्लास्टिक असंक्षारित होता है। ये पैराग्राफ अगर आप लिखते हैं तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये 10वां क्वेश्चन था। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। तो हमने उदाहरण क्या दिया कि विभिन्न चीज़ों को, अम्ल, क्षार या कोई भी चीज़ को हम प्लास्टिक के डिब्बे में रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होती और डिब्बा भी ख़राब नहीं होता। इसका मतलब वो प्लास्टिक उससे अभिक्रिया नहीं करता और वो असंक्षारक प्रकृति का होता है। ये उदाहरण हो गया इसमें। तो 11वां प्रश्न, क्या दांत साफ करने के ब्रश और ब्रश का हैंडल और ब्रिस्टल, यानी उसके ऊपर जो ब्रश करने के जो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं उनको ब्रिस्टल कहते हैं, शुक एक ही पदार्थ के बनने चाहिए क्या? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पूछा है कि एक तो हैंडल, ब्रश का हैंड, जो टूथब्रश आता है उसका हैंडल और उसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं ऊपर जो धागे जैसे होते हैं जिससे हम ब्रश करते हैं, वो एक ही पदार्थ का बना होना चाहिए? तो नहीं, क्योंकि ब्रिस्टल्स जो होते हैं वो मुलायम और प्रत्यास्थ होने चाहिए, साथ ही टिकाऊ भी होने, चलाऊ भी होने चाहिए। यानी क्योंकि वो उनको दांतों के हर हिस्से में जाना होता है, अगर वो हार्ड होंगे तो वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर सोचिए आप, ब्रिस्टल जो रेशे जैसे होते हैं वो अगर हार्ड हो गए तो हमारे मसूड़ों को, हमारे दांतों को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो मुलायम और प्रत्यास्थ होना उनका ज़रूरी है। साथ ही वो प्रबल भी होने चाहिए, नहीं तो वो जल्दी घिस जाएंगे। तो ये दोनों गुण होने चाहिए। तो वो तो नाइलॉन के बनते हैं इसीलिए उनको नाइलॉन का बनाया जाता है, लेकिन ये जो हैंडल है ये प्रत्यास्थ नहीं होना चाहिए। अगर हैंडल प्रत्यास्थ होगा ब्रिस्टल की तरह तो वो टिकेगा ही नहीं, इधर उधर होता रहेगा। तो ये ब्रिस्टल तो प्रत्यास्थ और प्रबल रेशों से बनने चाहिए जो कि नाइलॉन से बनते हैं इसीलिए। और जो हैंडल है वो प्रबल तो होना चाहिए लेकिन प्रत्यास्थता नहीं होनी चाहिए उसमें, तो वो इसीलिए थर्मो सेटिंग प्लास्टिक से बनाया जाता है या थर्मोप्लास्टिक से, थोड़ा कठोर थर्मोप्लास्टिक से बनाया जाता है। तो ये दोनों एक चीज, एक रेशे से नहीं बनने चाहिए, क्योंकि जो ब्रिस्टल है वो अगर एक हार्ड होंगे और कठोर प्लास्टिक से बनाए जाएंगे तो हमारे मसूड़ों और दांतों को नुकसान पहुंचाएंगे, वहीं अगर हैंडल कमज़ोर लचीले प्लास्टिक का बनाया जाएगा तो वो ब्रश करने में दिक्कत पैदा करेगा, एक जगह स्थान पर स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए दोनों को एक रेशे से बनाना संभव नहीं है, इसीलिए दोनों को अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक से बनाया जाता है। ये सब आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पर आया था लास्ट में लेसन के, कि बचना ही उपाय है, क्योंकि एक बार अगर देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिखिए, मैं आप स्टॉप करके लिख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितेशी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है, इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम यानी धुआं उत्सर्जित कर पर्यावरण को प्रदूषित किया करता है। अब ये नहीं लिखना आपको, इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो ये नहीं लिखिए, आप डायरेक्ट लिखिए इसीलिए यथा संभव प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए, बचिए नहीं बचना चाहिए। अभी इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि प्लास्टिक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने उसको काम में ले लिया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, अगर आप उसको फेंकोगे तो भी वो कचरा बन जाएगा जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, जलाओगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा और धुआं विषैला निकलेगा, यानी काम में लेते ही वो गले पड़ने वाली स्थिति हो जाती है कि फिर उसका कोई इलाज नहीं, इसलिए उससे दूर रहिए, उसको काम में ही मत लीजिए। इसीलिए कहा गया है कि प्लास्टिक से यथासंभव बचिए, बचना ही उपाय है।
तो ये आप अगर लिखेंगे तो इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों बचना चाहिए, क्योंकि ये अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, ये पर्यावरण का हितेशी नहीं है, अगर इसको जलाते हैं तो लंबा समय लेता है, विषैली गैस उत्पन्न करता है, और नहीं जलाते हैं तो एक कचरे की तरह इकट्ठा होता रहता है। तो ये अगर आप लिखते हैं तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए इसी तरह बचना चाहिए से पहले एक और लिख सकते हैं ये कि प्लास्टिक से बना हुआ कचरे को पशु, प्लास्टिक से बनी हुई थैलियों को पशु निगल लेते हैं, खाने विभिन्न चीज़ों, खाने पीने की चीज़ों को जब प्लास्टिक की थैलियों में फेंका जाता है तो पशु खाने पीने की चीज़ों को खाने के लिए प्लास्टिक की थैलियां भी निगल लेते हैं, जो कि उनकी मृत्यु का कारण बन जाती है। तो ये आप इसमें साथ में ऐड कर सकते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें लिखेंगे तो एक अच्छा आंसर आपका बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13, कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए खंड वाक्यों से सही मिलान कीजिए। पॉलिस्टर, यहाँ पर चार दिए हुए हैं, पॉलिस्टर, टेफ्लोन, रेयन और नाइलोन। तो देखो टेफ्लोन को तो आप मिलाओगे इससे, न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। आजकल जो नॉन स्टिक आते हैं जिन पे कोई चीज़ चिपकती नहीं है, जैसे आप पराठा बना रहे हो या कोई भी बना रहे हो, तो ऐसा तवा आता है जिस पे कोई चीज़ चिपकती नहीं है, ऐसी कढ़ाई आती है जिस पे कोई चीज़ चिपकती नहीं है, जलती नहीं है, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है वैसे, क्योंकि प्लास्टिक चढ़ा हुआ आता है उन पे, टेफ्लोन नाम का। तो टेफ्लोन को आप इससे मिला देंगे, टेफ्लोन की परत आती है इन चीज़ों पर, नहीं चिपक, नॉन स्टिक चीज़ों पर। इसी तरह आप जानते हैं कि नाइलोन जो है, नाइलोन बड़ा वो होता है, प्रबल होता है, तो प्रबल वाला किससे मिलाएंगे आप, पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है, सेकंड वाला जो जो पॉइंट है उससे आप नाइलोन को मिला देंगे। पॉलिस्टर कपड़े बनाने में काम आता है, तो यहाँ नीचे सबसे नीचे वाले से मिला देंगे, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते हैं पॉलिस्टर से बने हुए। और एक बचा रेयन, तो ये कास्ट की लुगदी का उपयोग करके किया जाता है, तो ये चारों आप इस प्रकार से इनको मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि संश्लेषित रेशों, रेशे जब बनाए जा रहे हैं फैक्ट्रियों में, यानी औद्योगिक निर्माण उनका किया जा रहा है, तो इससे वनों का संरक्षण हो रहा है, वन बच रहे हैं। तो आप बताइए कि संश्लेषित रेशे बना रहे हैं तो वन कैसे बच रहे हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो आपको ये लिखना है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या को कपड़े की भी आवश्यकता होती है, तो इतने लोगों की कपड़े की मांग को अगर प्राकृतिक रेशों से पूरा करने की कोशिश की जाएगी, तो फसलों, प्राकृतिक फसल उगानी पड़ेगी जिनसे हमें रेशा प्राप्त करना है, तो फसलों को उगाने के लिए नए खेतों की ज़रूरत पड़ेगी, तो खेत बनाने के लिए वनों को काटेंगे, जैसे कि लोग काटते आ रहे हैं, वनों का विनाश होता जा रहा है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए खेत चाहिए उगाने के लिए, तो खेत कैसे, कहाँ से आएंगे, तो वनों को काट करके खेत बनाए जा रहे हैं, तो इस तरह से वनों का नाश हो रहा है। अगर कपड़े भी हम केवल प्राकृतिक रेशों से बने हुए ही पहनना चाहेंगे, तो फिर इसी प्रकार वनों का विनाश होगा, क्योंकि खेतों की संख्या और बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए अगर हम पूर्णतया प्राकृतिक रेशों से बने हुए कपड़े नहीं पहनकर कुछ मात्रा में कृत्रिम रेशों से बने हुए कपड़े भी पहनेंगे, तो प्राकृतिक रेशों की मांग में कमी आएगी, और जिससे कि कम खेतों में भी इस तरह का काम चल सकेगा, और ज़्यादा वनों को काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, इस तरह से अपन ये बात कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। थर्मोप्लास्टिक कौन सा होता है? तो देखिए विद्युत के कुचालक तो दोनों ही होते हैं,
थर्मोप्लास्टिक हो चाहे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो, प्लास्टिक कोई सा भी हो, मुलायम वाला हो चाहे कठोर वाला हो, विद्युत के तो कुछ अलग ही होते हैं, लेकिन यह थर्मोप्लास्टिक का पूछा है, थर्मोप्लास्टिक नरम होता है, वो वाला थर्मोप्लास्टिक होता है तो वो विद्युत का कुछ अलग है। तो एक क्रियाकलाप, क्रियाकलाप क्या है हम जानते हैं, इसका आंसर क्या लिखना है आपको, हम जानते हैं कि विद्युत के तारों के ऊपर आवरण के रूप में थर्मोप्लास्टिक का विद्युत के तारों के ऊपर थर्मोप्लास्टिक का आवरण चढ़ा हुआ आता है। अगर बहती हुई विद्युत धारा के समय भी हम थर्मोप्लास्टिक के आवरण चढ़े हुए तार को हाथ से पकड़ते हैं तो हमें करंट नहीं आता। इससे सिद्ध होता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। हो गया बस सिद्ध भाई, आप समझने की दृष्टि से समझिए कि ये जो तार आता है बिजली का, इस पे जो ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ आता है, आप अगर उसको छू लेंगे थोड़ा सा तो आपके करंट नहीं आएगा, और इसीलिए चढ़ा हुआ आता है ये प्लास्टिक ऊपर, ताकि करंट नहीं आए किसी के। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यही सिद्ध होता है कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो विद्युत का कुचालक होता है। तो इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं। तो ये सारे 15 क्वेश्चंस आज अपन ने किए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और विस्तारित अधिगम, क्रियाकलाप व परियोजनाएं, इनको भी पढ़ लेते हैं। क्या आपने एक अभियान के विषय में सुना है, प्लास्टिक का उपयोग न करें, इस प्रकार की कुछ गतिविधियां और नारे बनाइए। कुछ राजकीय और अराजकीय संस्थाएं हैं जो सामान्य जन समुदाय को शिक्षित करती है कि किस प्रकार प्लास्टिक का सदुपयोग करें और प्लास्टिक हितेशी आदतें विकसित करें। अपने क्षेत्र में उन संस्थाओं का पता लगाइए जो जागरूकता कार्यक्रम चला रही है, यदि इस प्रकार की संस्था नहीं है तो गठित कीजिए। ये सब एक्टिविटीज है, तो नोटबुक में करने का नहीं है ये। तो आप जानते हो अपन ने पिछले साल एक प्लास्टिक मुक्ति अभियान की रैली निकाली थी, याद है आपको, पर्वत सर में पूरे में, और वो रैली निकली थी अपना संस्थान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण गतिविधि और अपना संस्थान के नेतृत्व में वो निकली थी प्लास्टिक मुक्ति के लिए। और उसमें हमने आग्रह किया था कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करें, थैला लेकर के जाएं, और हमने थैले वितरित भी किए थे सबको। तो ये मैंने जैसा बताया, अपना संस्थान करके एक संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण गतिविधि है, ये संस्थाएं हैं जो कि प्लास्टिक को हटाने के लिए, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने के लिए लोगों को जागरूक करती है। तो ये एक करने का था, जो हमने किया भी है प्रैक्टिकली, पिछले साल हमने एक ऐसी रैली निकाली है। नंबर टू, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करिए। बच्चों को इच्छानुसार संश्लेषित कपड़े अथवा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कपड़ों के औद्योगिक निर्माण निर्माता का अभिनय करने का अवसर दीजिए। यानी दो पक्ष और विपक्ष दो जने बन जाएंगे, एक बच्चा पक्ष रखेगा, दूसरा विपक्ष रखेगा। पक्ष वाला, मेरा कपड़ा श्रेष्ठ है, यानी एक जना तो बन जाएगा संश्लेषित रेशों का फैक्ट्री का मालिक, वो तो कहेगा मेरा कपड़ा श्रेष्ठ है, और दूसरा बच्चा सामने वाला रहेगा प्राकृतिक रेशों का उत्पादन करने वाला, वो कहेगा मेरा कपड़ा श्रेष्ठ है। तो दोनों अपने अपने तर्क रखेंगे। हमने दोनों की विशेषताएं पढ़ी है लेसन में, प्राकृतिक रेशों की भी कुछ विशेषताएं हैं और कृत्रिम रेशों की भी कुछ विशेषताएं हैं, दोनों की विशेषताएं हैं, दोनों की कमियां भी हैं। तो एक दूसरे से तर्क वितर्क करेंगे। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, जब स्कूलें खुल जाए तो आप मुझे याद दिलाना, एक ये जो वाद विवाद जरूर कराएंगे, तो आप अपन निश्चित रूप से इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, अपने आस पड़ोस के 5 परिवारों में जाइए और पता लगाइए कि वे किस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते हैं, उनकी पसंद का कारण क्या है, और मूल्य, चिरस्थायित्व तथा रखरखाव के संदर्भ में इनके क्या उपयोग के क्या लाभ हैं। एक छोटी रिपोर्ट बनाइए और शिक्षक को दीजिए। तो आपको ये करना चाहिए, ये आप कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, 5 नहीं तो आप 2 का ही कर सकते हैं। आप तो एक तो अपने घर का, या आप 2 का भी छोड़िए, आप अपने घर का ही लिख देना कि हमारे घर में ज़्यादातर लोग कौन से कपड़े पसंद करते हैं, प्राकृतिक रेशों से बने हुए कपड़े पसंद करते हैं या कृत्रिम रेशों से या संश्लेषित रेशों से बने कपड़े पसंद करते हैं, और क्यों करते हैं।
तो मुझे लगता है कि संश्लेषित वाले ज़्यादा पसंद आते हैं लोगों को, क्योंकि एक तो प्रेस नहीं करनी पड़ती उन पे, एक आसानी से धुल जाते हैं, वो सस्ते आते हैं, तो लोग आजकल ज़्यादा संश्लेषित। लेकिन कभी कभी तेज़ गर्मी होती है तो फिर सूती कपड़े भी पसंद किए जाते हैं। तो यहाँ आपको ये लिखना है, ये आप कर सकते हैं अपनी नोटबुक में तीसरा क्वेश्चन, और इसमें आप ये अपने घर के बारे में बता सकते हैं कि मेरे घर में, या जितने सदस्य अलग अलग राय सब रखते हैं तो अलग अलग लिख सकते हैं, पिताजी, माताजी, स्वयं, भाई बहन जो भी है, कि मेरे पिताजी को कौन से कपड़े पसंद आते हैं और क्यों आते हैं, मम्मी को कौन से कपड़े पसंद आते हैं और क्यों आते हैं, इस तरह सबकी राय आप उसमें लिख सकते हैं। फोर्थ, कार्बनिक ऐप अपशिष्ट जैव निम्नीकरणीय है जबकि प्लास्टिक नहीं है। जैव निम्नीकरणीय वो होते हैं जो अपघटित हो जाते हैं, सड़ गल करके मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कार्बनिक अपशिष्ट, जो कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं वो तो जैव निम्नीकरणीय है, यानी वो तो अपघटित हो जाते हैं, जबकि प्लास्टिक नहीं है। इसको प्रदर्शित करने के लिए एक क्रियाकलाप का निर्माण कीजिए। तो निर्माण तो आप क्या करेंगे, आप इसमें आंसर लिख सकते हैं, या एक्टिविटी आप अपनी एक्टिविटी लिख सकते हैं कि हम अपने घर के बाहर या किसी एक स्थान पर एक कार्बनिक पदार्थ रख देंगे, जैसे कि कागज़ रख देंगे, या कोई पेड़ पौधे की पत्ती रख देंगे, दूसरी ओर हम एक प्लास्टिक रख देंगे, तो हम उसको कई महीनों तक पड़ा रहने देंगे, जब हम कई महीनों के बाद देखेंगे, या मिट्टी में रख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं, तो जब हम कई महीनों के बाद देखेंगे तो कागज़ और जो पेड़ की पत्ती थी वो तो सड़ करके गल करके मिट्टी में मिल जाते हैं, जबकि प्लास्टिक वो वैसा का वैसा पड़ा रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्बनिक अपशिष्ट जैव निम्नीकरणीय होते हैं जबकि प्लास्टिक नहीं होता है। ऐसे ही जैसे जानवरों का गोबर है, आप सोचिए गोबर करते हैं, वो भी कार्बनिक पदार्थ है, तो वो भी थोड़े दिनों तक अगर अपन नहीं उठाते हैं तो कुछ महीनों में वो भी एकदम मिट्टी में मिल जाता है पूरा सड़ गल करके। तो ये इस तरह की जो भी चीज़ें आप देखेंगे, कोई भी कार्बनिक जो चीज़ है जो जीवों से बनी हुई है, तो वो निम्नीकरणीय होती है, वो सड़ गल करके अपघटित होकर मिट्टी में मिल जाती है, जबकि प्लास्टिक नहीं मिलता है। तो किसी भी चीज़ के उदाहरण से अपन इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो इसमें से आपको केवल ये तीसरी और चौथा प्रश्न आप नोटबुक में कर सकते हैं, पहला दूसरा एक्टिविटी है, वैसे तो चारों ही एक्टिविटी है, पर यहाँ तीसरे और चौथे क्वेश्चन के आंसर में हम कुछ रिटर्न में भी लिख सकते हैं। तो ये 15 क्वेश्चंस तो आपको करने ही है नोटबुक में, और ये भी एक्टिविटीज में भी थर्ड फोर्थ करना है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स, आपको सारे क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं। यू आर ए बोर्ड क्लास इन दिस सेशन, इस सेशन में आप एक बोर्ड क्लास हैं, एंड यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मेन बोर्ड एग्ज़ाम फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सेशन। यहाँ सेशन की बिगनिंग से ही, शुरुआत से ही आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए मेन एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप एक अच्छा परफॉर्म कर सकें, और बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अभी खूब सारा टाइम आपके पास है, तो जितना वेस्ट करोगे उतना ही कम पड़ेगा टाइम। तो मैं आपको ये कहूँगा, आप 3 to 4 hours आपको स्टडी के लिए ज़रूर निकालने चाहिए। जो भी आपको वीडियोज़ आ रहे हैं उनको ध्यान से सुनना चाहिए, और उनमें जो भी वर्क बताया जाता है वो आपको नोटबुक में करना चाहिए, और जैसे ही मौका मिले आप मुझे चेक भी करा सकते हैं। और लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज दिया गया है, क्या आप जानते हैं नाइलोन रेशम जैसा दिखता है, यह प्रबल और लचीला होता है। जब 1939 में नाइलोन आया, सामने आया, तो उसके मोहक गुणों ने, यानी इतना अच्छा लगा लोगों को, जनता में सनसनी अथवा नाइलोन उन्माद पैदा कर दिया, यानी लोग दीवाने हो गए नाइलोन के। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों को भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध के चलते नाइलोन उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने में काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ, तो उनकी पूर्ति
मांग के अनुसार नहीं हो सकी। इस उत्पादन के लिए एक भारी काला बाजार था, यानी ब्लैक में बिकते थे नायलॉन के मोजे। एक जोड़ा मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे, यानी नायलॉन का एक इस तरह का क्रेज था जब नया नया नायलॉन सामने आया था। तो ये भी एक जानकारी थी। और यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं थर्ड लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर। अगले वीडियो में हम लोग फोर्थ लेसन स्टार्ट करेंगे। तब तक, जब तक ये वीडियो आता है, अपना वर्क ज़रूर कंप्लीट करें और बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में करें। नई नोटबुक को मेंटेन करें और अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे शो करें। व्हाट्सएप के थ्रू भी शो कर सकते हैं, फिजिकली भी आप दिखा सकते हैं ला करके। ओके, हैव ए नाइस डे, यूज योर टाइम, and we will meet in next video. See you and bye.